हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप जानते ही होंगे कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऑडियो क्वालिटी कितनी मायने रखती है। तो सबसे पहली बात आती है माइक की। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वायरलेस माइक। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है बोया का बोया लिंक माइक। तो भाई कुछ ऐसा इसका लुक है और इसमें 3 एडेप्टर्स मिलते हैं। डिफरेंट फोन्स में कनेक्ट कर सकते हैं आप, कैमरे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी खोल के दिखाएंगे। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है जो कि प्रीमियम क्वालिटी के वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं सिर्फ उनमें ही होता है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक डेटा केबल मिल जाती है जो कि चार्जिंग के लिए है। इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए, ये मिल रहा है प्यारा सा केस जो कि प्रीमियम क्वालिटी का है। और ये सिर्फ केस नहीं है, ये चार्जिंग केस है। इसमें आप अपने तीनों डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये बटन हो गया है, ये आपकी बैटरी लेवल को इंडिकेट करेगा कि बैटरी कितनी है केस में। अभी करेंगे इसको ओपन। तो भाई इसमें ये रही विंडस्क्रीन 2, और ये रहा रिसीवर जिसमें ये एक एडेप्टर लगा हुआ है जो कि कैमरे में कनेक्ट होगा। ये है लाइटिंग का एडेप्टर जो कि आईफोन में कनेक्ट होगा। और ये रहा टाइप सी कनेक्टर जो कि एंड्रॉयड में कनेक्ट होगा। ये दो रहे ट्रांसमीटर। तो चलो अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं भाई कि क्वालिटी क्या आती है साउंड की। ये है रिसीवर और इसमें कुछ मल्टी फंक्शनल बटन्स दिए गए हैं। ये पावर बटन है और यहीं से आप म्यूट कर सकते हैं। और एक ये बटन दे रखा है, जब आप मोनो आउटपुट लेंगे तब ये एम पे करेंगे, और जब स्टीरियो आउटपुट लेंगे मतलब दोनों ट्रांसमीटर अगर कनेक्ट करेंगे तो आप एस पे इसको कर देंगे। तो अब ये कनेक्ट करके देखते हैं। विद इन अ सेकेंड ये कनेक्ट हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। ये आपको लाइट दिख रही होंगी, ब्लू लाइट्स, ये देख सकते हैं। मतलब विद इन अ सेकेंड ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ ऑडियो इसी बोया माइक से। तो गाइस अभी हम ज़्यादा दूर नहीं हैं और साउंड क्वालिटी आपको सुनाई दे रही होगी। अभी हम थोड़ा दूर जाएंगे, लगभग 100 मीटर ये आपको क्लेम करता है कि 100 मीटर दूर तक आप साउंड क्वालिटी अच्छी सुन सकते हैं। तो अभी हम दूर जा रहे हैं तो अभी आपको आवाज़ कैसी आएगी आप सुन रहे होंगे। ये वाली जो टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ये बोया लिंक वायरलेस माइक है उससे ये कर रहे हैं। अब हम लगभग काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब मैं टर्न करके भी देखूँगा कि कट होती है या नहीं। तो यार, तो अब आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है ब्लॉक्स में। तो अब हम इसको डुअल चैनल पे सेट करके देखते हैं कि दोनों से कैसी आवाज़ आएगी। अब मैंने स्टीरियो आउटपुट पे डाल दिया है रिसीवर को, तो अब आप आवाज़ सुनेंगे। अगर आप लीड लगाएं, हेडफोन लगाएं तो आपको आवाज़ आ रही होगी। मुझे तो नहीं मालूम, आप देख रहे हैं तो आप ही बता सकते हैं कि कैसी आवाज़ है। अभी हम टेस्ट करेंगे कैमरे में लगा के कि कैमरे में कैसी साउंड क्वालिटी आती है। तो गाइस अभी हमने अपने सोनी अल्फा ZV-10 में कनेक्ट कर दिया है रिसीवर और अभी आप साउंड क्वालिटी सुन रहे होंगे इस बोया लिंक वायरलेस माइक से। तो यार साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। अभी मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, दूर 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 जाऊँगा और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी आती है।
बोया के कई सारे माइक आते हैं और कई ब्रांड के कई सारे माइक आते हैं। और अगर प्रीमियम क्वालिटी में जाएंगे आप तो आप DJI का लेंगे और कई सारे आते हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें ज़्यादा, तो आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बस यही जानने की कोशिश करिए। तो अभी मैं काफ़ी दूर हूँ कैमरे से, तो अभी देखेंगे साउंड क्वालिटी कैसी आती है। तो गाइस अभी चेक करने वाले हैं हम नॉइज़ कितना आता है इसको लगाने के बाद, या नॉइज़ नहीं आता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये बातें कर रहे हैं। अब इनकी आवाज़ आती है या नहीं अब ये देखना है। अभी नॉइस रिडक्शन चालू नहीं हुआ। नॉइस रिडक्शन चालू करने के लिए ये प्लस माइनस के सिंबल हैं, ये दोनों हम दबाएंगे एक साथ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी जिससे नॉइस रिडक्शन चालू हो जाएगा। अब आप साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। अब मैं थोड़ा इन लोगों के पास जा रहा हूँ। अब ये लोग बात करने में व्यस्त हैं। अब साउंड क्वालिटी कैसी आती है ज़रूर बताइए कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो गाइस सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा कि ये जो केस है ये भाई ट्रांसपेरेंट है और इसमें आपको इंडिकेशन दे ही रखा है कि आपका केस कितना चार्ज है। और एक और अच्छी बात है, ये मैग्नेटिक केस है। जैसे ही आप इसमें अपने तीनों ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें रख देंगे तो ये उसमें चिपक जाएंगे मैग्नेट के थ्रू और चार्ज होते रहेंगे। और अगर आप इन केस चार्जिंग केस ले जाना भूल गए हैं तो आप इसको इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी के जो जैक है वो सभी ट्रांसमिशन में दे रखा है, तो आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप जो है केस का 30 आवर है, मतलब अगर देखा जाए तो 7 आवर आप आराम से ये माइक का यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो बनाने में। तो यार साउंड क्वालिटी कैसी है तो ये आप वीडियो देख के ज़रूर बताइए, और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। क्योंकि माइक बहुत सारे आते हैं, बहुत कंपनी के आते हैं, लेकिन मुझे ये बोया का माइक ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आप इजीली फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अब आपको कंटेंट और भी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि साउंड क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। पहले नॉइस आता था मेरे वीडियोज़ में, लेकिन अब नॉइस नहीं आएगा गाइस, क्योंकि मैंने ले लिया है बोया का बोया लिंक वायरलेस माइक।